तारीख और ईद है तो हमारा भी बाहर जाना बंद है भाई। आफ्टरऑल हमारा चेतावनी खुल गया है इसलिए अब हम बाहर जाएंगे। तो बाहर जाना क्या करने जा रहे हैं भाई? खाने पीने जा रहे हैं। बाकी चलो बाहर जाके बात करते हैं यार, यहाँ पे गर्मी लग रही है और लाइट भी सही है। खाने पीने जाने का मसला ये है कि दोस्तों का वेट करना पड़ रहा है क्योंकि वो मेरे घर आ रहे हैं तो हम उनका वेट करते हैं। थोड़ा वेट भी होना चाहिए ना जिंदगी में भाई। दोस्तों का वेट करने का तो कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो नहीं आ रहे तो हम अकेले जाएंगे। हम अकेले किसी से कम है क्या? बाकी सब बड़ी है। चलो वहां जाके भाई लोग, सीन ये है कि मैं समझा था यहाँ कोई नहीं होगा पर यहाँ बाइक खड़ी करने की भी जगह नहीं है। आए, आए, आए। यार बात ये है कि वो पार्क है जहाँ मैं कॉलेज में पुट्टा मार के आया करता था। सुनसान तरीन जगह होती थी और वैसे हर ईद पे यहाँ झूले भी लगते थे पर इस बार कोई सीन नहीं है। पर रश लेवल का है। वैसे यार ये ईद ना इन बच्चों की होती है, अपना ईद क्या है? अपनी ईद कुछ भी नहीं है। अपनी ईद में क्या होता है यार? अपनी ईद सो के गुजर जाती है। बचपन में अपना मिशन क्या होता था ना? ईद ही मिलनी है नहीं, पहले तो सारों के घर जाना है, ईदी इकट्ठी करनी है। ईदी इकट्ठी करने के बाद एक झूठा वाला पिस्तौल लेना है, उसके बाद एक खच सी घड़ी लेनी है और एक ग्लासेस लेनी है, बस अपनी ईदी ईद जिंदाबाद। वो यहाँ वो चार बटनों वाली गेम ले लेनी है। तो अभी कुछ भी नहीं है यार, वो ईद बचपन वाली अभी नहीं है। भाई सीन कुछ ऐसा है कि इतना काम करने के बाद ना अभी थोड़ा बहुत खाना पीना तो होना चाहिए जिस काम के लिए हम यहाँ आए थे, इसलिए अभी पिज़्ज़ा खाया जाएगा। पर यार यहाँ रश बहुत है, अब देखो मेरी बारी कितनी देर बाद आती है और कितनी देर बाद मैं। सीन ये है कि पिज़्ज़े का ऑर्डर दे चुका हूँ मैं, अभी बारी कितनी देर बाद आएगी ये मुझे नहीं पता, कितनी देर बाद मेरा पिज़्ज़ा लगेगा। रश देखना है तो यहाँ ऑर्डर देने वाले टेबल पे देखो रश है। यार पिज़्ज़े की शक्ल देखो, क्या पिज़्ज़े की शक्ल देख लो पहले, और इसको खाएंगे कैसे? जैसे भाई रोटी खाते हैं ना, कोई कांटा नहीं कोई छुरी नहीं, वैसे ये खाया जाएगा इसका। लगता है इनके पास प्लेटों की कमी है पर हम खाते हैं। और बाकी तुम लोग जानते हो मैं खाने की वीडियो नहीं बनाता, तो इस बार भी नहीं बनेगी, खाऊंगा मैं देसी स्टाइल में। का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। वैसे एक बात तो मुझे समझ आ गई है, अगर मोबाइल पे व्लॉग करना है तो अपने मोबाइल की बैटरी फुल रख के निकलो। फुल रख के नहीं निकलते और आपको अगर रात में शूट करनी है कोई चीज़ें तो फ्लैश लाइट चाहिए होगी। फ्लैश लाइट तभी जलती है जब आपकी बैटरी फुल हो।
और मेरी बैटरी मोबाइल की लो थी, इसलिए काफ़ी शॉर्ट्स थे यार जो मैं लेना चाहता था, मैंने लिए हैं तुम वीडियो में तुम लोगों ने देखा होगा, बट वो सही नहीं है, उसके लिए आई एम सॉरी। और अभी जो मैं हरकत कर रहा हूँ ना वो बहुत अच्छी है, ये देखो बाइक की लाइट चला के तो मैं व्लॉग कर रहा हूँ। चलो कुछ नहीं होता, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स, मिलते हैं अगले व्लॉग में, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।